नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। अब हम शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम दे दनादन। मैं हूं राजेश राठौर। जी हां, आप देखिए कि कांग्रेस ने इस बार इंदौर में एक ऐसी विधानसभा है जिसको अयोध्या कहा जाता है, वहां पर जिस व्यक्ति को चुनाव में खड़ा किया है वो नेता पुत्र ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो पार्टी के संघर्ष का साथी हूँ। मेरे पिता यानी उजागर सिंह चड्ढा ने भी उस समय अयोध्या कही जाने वाली सीट विधानसभा 4 से चुनाव लड़ा था, जब कोई पार्टी का नेता वहां से लड़ने को तैयार नहीं था। इस बार भी हालात ऐसे ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार यहां से भाजपा चुनाव जीतती रही है, लेकिन उजागर सिंह के बेटे यानी सुरजीत चड्ढा चुनाव मैदान में है। वो कहते हैं कि मैं तो पार्टी के कहने पर चुनाव लड़ रहा हूं और पार्टी के कारण आखिरी समय तक संघर्ष करता रहा हूं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी के पास कुछ विधानसभाओं में तो उम्मीदवार भी खड़े करने के लिए नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसी क्यों लोबत आई? कांग्रेस को इन कारणों पर जाना चाहिए, लेकिन अभी तो ये बात है कि विधानसभा चुनाव में सुरजीत चड्ढा स्मार्ट सिटी को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। उनका कहना है कि सड़कें चौड़ी करने के लिए जिस तरह से गरीबों के मकान तोड़े गए हैं, क्या उसका जवाब कोई देगा? क्या उन गरीबों को कोई फायदा मिल पाएगा? उनका यह कहना है कि मैं इन सब बातों को लेकर कभी विकास का विरोधी नहीं रहा, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब भाजपा विकास कार्य करती है तो आखिर गरीबों के ही मकान क्यों टूटते हैं? क्यों नहीं करोड़पतियों के मकान प्रभावित होते हैं? क्या कारण है इसका कि विधानसभा 4 में लगातार विकास कार्यों के कारण जब गरीबों का नुकसान हुआ तो भाजपा की तरफ से कोई उनके आंसू पोंछने नहीं आया? सुरजीत चड्ढा भले ही संघर्ष के साथ मैदान में है, लेकिन लगता है कि पिता की तरह बेटा भी कांग्रेस के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और ऐसे ही कार्यकर्ताओं के कारण अभी भी कांग्रेस पार्टी का कहीं न कहीं वजूद बचा हुआ है। आप देखते रहिए घमासान.com।